अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज। में आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है सुपर फास्ट बर्गर की रेसिपी। आज कोई लॉन्ग रेसिपी नहीं है, बल्कि बर्गर की रेसिपी है जो समर सीजन में टाइम सेविंग झटपट बनने वाली रेसिपी है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए वाइट सॉस तैयार किया। इसमें मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने सॉस पैन में बटर 1 टेबल स्पून, सॉल्टेड लिया था, मैदा 2 टेबल स्पून, ओरिगानो लीव्स पिंच, ब्लैक पेपर पिंच और 1 कप मिल्क लेकर सॉस पैन को चूल्हे पर रखकर वाइट सॉस तैयार कर लिया। ये बहुत टाइम सेविंग है, आप एक साथ सारे इंग्रेडिएंट्स डालें और कुछ सेकंड में वाइट सॉस तैयार हो जाता है। और मैं मुसलसल चम्मच भी चलाती रही ताकि वाइट सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था क्योंकि मैंने इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अब एक तरफ मैंने खीरे और टमाटर के स्लाइसिस को कट कर लिए और बन को टोस्ट कर लिया था। देखिए मेरा झटपट वाइट सॉस रेडी है। दूसरी तरफ मैंने बर्गर श्रेडेड चिकन की फिलिंग के लिए, जिसको मैंने सिंपल रेडी किया था, इसके लिए मैंने 1 कप बोनलेस चिकन ली। फिर इसमें दही 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, सीख कबाब मसाला 1.5 टेबल स्पून डालकर कुक कर लिया था। और ठंडा होने के बाद मैंने इस चिकन को श्रेडेड कर लिया था। फिर मैंने फ्राई पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालकर रेडी चिकन को हल्का सा सौते कर लिया था। फिर मैंने फ्लेम ऑफ करके वाइट सॉस डाल के मिक्स किया। बर्गर्स की फिलिंग रेडी है। अब बर्गर्स पन पे हल्का हल्का चिली गार्लिक सॉस या केचप लगाएं, फिर इस पर फिलिंग रखें और ऊपर से टमाटर और खीरे के स्लाइसेस रखकर मोज़ेरेला चीज़ रख दें। दूसरे बन से कवर कर दें, तवे पर हल्का हल्का सेक लें। बर्गर्स तैयार हैं और किसी भी सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।